गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग गणित में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वह है भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी, रेलवे और भी जितने यूपीएससी, बीपीएससी और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो है यह प्रश्न आता है। और स्टूडेंट भाग देते देते जो है एक प्रश्न को बनाने में 10 प्रश्न के बदले जो है क्वेश्चन को छोड़ देता है। आप लोग को ऐसा तरीका बता रहे हैं जो बिना भाग दिए हुए आप सेकेंडों में इसे बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। आरोही और अवरोही क्रम को आप सेकेंडों में सजा सकते हैं। पहला प्रश्न है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 को आरोही क्रम में लिखिए। इस तरह का आरोही और अवरोही जो प्रश्न आता है इसमें एक होता है अंश और हर में अंतर बराबर हो, और एक आता है अंश और हर में अंतर बराबर नहीं हो। दो ही तरीका का प्रश्न आता है, 2 से 3 तरीका का इसमें प्रश्न नहीं आता है। तो दोनों को हम बताएंगे कि जिसमें अंश और हर में बराबर अंतर हो उसको कैसे पहचानेंगे, जिसमें हर और अंश में बराबर नहीं हो उसको कैसे पहचानेंगे। इसमें जो है दो ही तरीका का प्रश्न आता है, अंश और हर में अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो, एक आता अंतर बराबर नहीं हो, अंतर बराबर नहीं हो। अब हम बात करते हैं प्रश्न पर कि देखिए इस प्रश्न को ध्यान से। 1/2 अंश और हर में अंतर 1 का आ रहा है, 3/4 अंश और हर में अंतर 1 का आ रहा है, 5/6 अंश और हर में 1 का अंतर आ रहा है, 7/8 अंश और हर में अंतर 1 आ रहा है। यानी सभी में जो अंतर जो है अंश और हर में बराबर आ रहा है। तब जब अंतर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह संख्या छोटा, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह संख्या बड़ा। जब अंतर बराबर होगा तब इस तरह का तरीका अपनाएंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए, अंश जो है सबसे छोटा 1 है, उसके बाद जो है 3 है, उसके बाद जो है 5 है, और सबसे अंतर अंश जो है 7 का बड़ा है। तो सबसे छोटा भिन्न जो है इसका अंश छोटा है तो 1/2 हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न जो है 1/2 हो जाएगा। इससे बड़ा यानी सबसे पहले छोटा को लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक को लिखेंगे, और सबसे बड़ा अंक को सबसे बाद में लिखेंगे। आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में लिखना। अब 1 के बाद जो है हमें 3 आ रहा है, 3/5 लिखेंगे हम, 3/4 आ रहा है, 3/4 के बाद जो है यह अंश 5 छोटा है तो यह 5/6 आएगा, और सबसे ज्यादा अंश जो है अधिक अंश जो है 7 का है, 7 है, 7/8। ये सबसे छोटा अंश 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7।
यह हो गया आरोही क्रम में लिख दिए हम। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं, 7/9, इसमें अंतर देखिए कितना का, 7 और 9 में अंश और हर में 2 का अंतर है। 5/7 में अंश और हर में 2 का अंतर। 13/15 अंश और हर में 2 का अंतर। 9/11 अंश और हर में 2 का अंतर। सभी में अंतर बराबर है, तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। तो सबसे छोटा अंश जो है 5/7 है, 5 छोटा है, 5 के बाद जो है 7/9, उसके बाद जो है 9/11, और सबसे बड़ा अंश जो है 13 है, 13/15 है। यह तरीका बताए हुए थे जब अंश और हर में अंतर बराबर हो, 1 का अंतर हो या 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, यानी अंतर जो है बराबर होना चाहिए। अंतर 10 का हो, 20 का हो, जब अंतर बराबर होगा तो आप जो है जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, 3/8, 4/9, 3/8 में अंतर देखिए कितना का हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है। 4/9 में भी 5 का अंतर हो रहा है। 5/11, 6 का अंतर हो रहा है। 2/7, इसमें भी अंतर 5 का हो रहा है। तो जब अंतर जब बराबर है तो यह पहले वाला तरीका काम करेगा कि जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंश जो है 2 का है, उसके बाद जो है 3 का है, उसके बाद 4 का है, और देखिए इसमें अंतर जो है 6 का है। तो यह पता नहीं चल रहा है कि यह छोटा है या बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कैचिया गुना करेंगे, यानी सबसे जो है इसके इसके से बड़ा यह अंक है, अब इससे तुलना कर रहे हैं इसका कि इससे यह बड़ा है या छोटा है। तो कैचिया गुना करेंगे, यानी इस तरह का लिख देंगे, 4/9, 5/11, इसमें इसमें गुना करेंगे तो 11 4 44 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन बड़ा है, इसमें दोनों में जब तीसरा गुना करके देखेंगे तो कौन बड़ा है, तो यह बड़ा है, 45 बड़ा है 44, यानी 4/9 से 5/11 बड़ा है। तो 4/9 से 5/11 जो है बड़ा है। तो आरोही क्रम में लिखना है, सबसे पहले छोटा अंक को लिखना है, तो छोटा अंक में हो जाएगा 2/7, इससे बड़ा जो है 3 का अंश हो रहा है, 3/8, 3/8 हो जाएगा, उससे बड़ा जो है 4/9, और सबसे बड़ा जो है 5/11। यही उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न पर आते हैं कि निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। अब इसमें अंश और हर में अंतर देखते हैं, 7/8 1 का अंतर, 9/11 2 का अंतर, 5/6 1 का अंतर, 13/15 2 का अंतर। तो अब दूसरा तरीका बता रहे हैं कि जब अंतर अलग अलग हो, जब अंतर
अलग अलग हो। तो जब अंतर जब यह अवयव जो है अंतर समान है, तो जब अंतर अलग अलग होगा तो जिसका अंतर कम होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंतर अधिक होगा वह भिन्न छोटा होगा। फिर से समझ लीजिए, जिस जब अंश और हर में अंतर अलग अलग होगा तो जिसका अंतर छोटा होगा यानी कम होगा वह भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंतर अधिक होगा वह भिन्न छोटा होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें देखिए, यह इसमें जो है गैप जो है अंतर जो है कम है, तो इसके और इसके अपेक्षा जो है यह जो है दोनों बड़ा है। अब हमें पूछ रहा प्रश्न जो है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा में यह होगा या यह होगा, 9/11 होगा या 13/15 होगा। अब दोनों को हम पता लगाएं कि दोनों में सबसे छोटा कौन है। यह दोनों तो है इसके और इसके अपेक्षा बड़ा है, तो हमें कह रहा छोटा। तो चलिए 9/11 लेते हैं, 9/11 और 13/15। अब इसी में हमें पता लगाना है कि दोनों में कौन सबसे छोटा है। तो देखिए, अब इसमें जो है अंश और हर में अंतर बराबर है, दो दो का अंतर है, तो पहला वाला ठीक पर बैठ जाता है कि जब अंश और हर में बराबर अंतर हो तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। तो सबसे छोटा भिन्न जो है, सबसे छोटा अंश जो है 9 और 13 में छोटा अंश 9 का है, तो यह 9/11 भिन्न जो है छोटा हो जाएगा, यह छोटा हो जाएगा। 13/15 जो है यह बड़ा हो जाएगा, तो 9/11 जो है उत्तर हो जाएगा। और बिना भाग दिए हुए आसानी से आप समझ गए, अगर इसी प्रश्न को भाग देते देते आप दिमाग अपना खराब कर लेंगे तब तक कितना प्रश्न आपका छूट जाएगा। फिर हम पांचवा प्रश्न पर आते हैं, 3/7, इसमें अंतर देखिए, अंश और हर के बीच कितना का अंतर हो रहा, 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर हो रहा है। 2/9, 2 और 9 में जो है 7 का अंतर हो रहा। चार और 13 में अंतर जो है अंश और हर में 9 का हो रहा। 6 और 11 में अंतर 5 का हो रहा है। 7 और 9 में अंतर 2 का हो रहा है। अब इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो बताए हुए थे अब इसमें अंतर अलग अलग हो रहा अंश और हर में, तो जिसका अंतर कम होगा वह भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंतर अधिक होगा वह भिन्न छोटा होगा। इसमें कह रहा कि बड़ी भिन्न, तो देखिए किसमें जो है अंश और हर में सबसे कम अंतर है, तो सबसे कम अंतर जो है 7/9 में है, इसमें 2 का अंतर है, बाकी जो है इससे अधिक अंतर आ रहा है। तो यह जो है देखिए किसमें 7/9 आ रहा, बी में, यानी बी जो है आपका सही है 7/9। छठा प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर 7/9, सी बराबर 5/7, तो यह कौन सा जो सीक्वेंस जो लगाया हुआ है इसमें कौन सा सही है। तो आप ध्यान से देखिए, ए का मान 3/5, अंतर कितना का हो रहा है 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर,
सात बटा नौ, इसमें भी अंतर देखिए दो का हो रहा है, इसमें भी दो का अंतर। पांच बटा सात, इसमें भी अंतर दो का हो रहा। तो जब अंतर समान हो तो पहले वाला ठीक काम करेगा कि जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। तो सबसे अंश छोटा किसका हो रहा है? तीन का। तो तीन बटा पांच हो जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद इससे बड़ा किसका अंश आ रहा है? पांच का। पांच बटा सात हो जाएगा और सबसे बड़ा अंश किसका आ रहा है? इससे बड़ा जो है सात का अंश आ रहा, सात बटा नौ। अब यह देखिए तीन बटा पांच किसका मान है? तीन बटा पांच जो है एक का मान है। तीन बटा पांच का स्थान पर हम ये लिख देंगे, पांच बटा सात किसका मान है? पांच बटा सात सी का मान है। सात बटा नौ किसका मान है? बी का मान है। अब देखिए इसमें जो पैटर्न दिया हुआ किसमें आ रहा है? ए सी बी, सी में आ रहा आपका सी जो ऑप्शन जो है सही है। आप इससे जो है बिना भाग दिए हुए हम आपको समझा रहे हैं तो अधिक समय लग रहा, आप इसे आसानी से सेकेंडों में पहचान सकते हैं। यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्त जो है इस वीडियो से लाभ उठा सके। फिर आप लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।